स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। इसराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले के बाद युद्ध छिड़ गया है। दुनिया दो खेमों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका, भारत और यूरोप ने खुलकर इसराइल का समर्थन किया है, जबकि मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने हमास का समर्थन किया है। इस बीच कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने भी दुनिया के कई नेताओं से इस मामले पर बात की है। हालांकि वह इस बीच भी इसराइल की स्थिति से ज्यादा भारत से रिश्ते को लेकर चिंतित नजर आए। ट्रूडो ने रविवार संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की है। UAE को भारत के करीबी देशों में गिना जाता है। कनाडा के PMO की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जस्टिन ट्रूडो ने UAE के राष्ट्रपति से बात की। इस दौरान उन्होंने कनाडा और भारत के रिश्तों में पैदा हुए तनाव के बारे में UAE की लीडरशिप को जानकारी दी। PMO की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि हमने भारत के साथ रिश्तों और कानून के शासन को लेकर बात की है। UAE के अलावा कनाडाई PM ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से भी बात की है। इस दौरान भी उन्होंने भारत का जिक्र किया। ट्रूडो ने जॉर्डन के नेता से बातचीत में भारत संग रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। इसके अलावा वियना कन्वेंशन का भी इसमें सम्मान नहीं हुआ है। बता दें कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।